ये सारे बच्चे डिक्की देख रहे हैं। थान थान है ना? हाँ। चलो मुझे वो आपने उस दिन तब टायरिंग ब्लास्ट हुआ था। हाँ तब आपने कहा था पठान होगा ज़ू। चलो ठीक है, आरपीएम देना एक दफा। ये कह रहे हैं ज्यादा नहीं देना ना, घर है आस पास। हमारे छोटे छोटे सोसाइटी के फैन हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो यार हम लोग निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ काम करने के लिए निकले होंगे। तो सीन ये है कि हमारी गाड़ी है ना, उसका बम्पर का इशू चल रहा था। लास्ट वीडियो मैंने बताया कि बम्पर थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या मसला कर रहा है। क्यों, क्या हुई? जाके बम्पर शम्पर सेट कराते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। ठीक है, क्योंकि बम्पर जो है ना बहुत भारी है, मैं तुम लोगों को बताया था। चलो ये मैं तुम्हें दिखा कर बताऊंगा कि क्या सीन। अच्छा, जो मैं बम्पर के मसले की बात कर रहा था ना, वो ये देख रहे हो गैप सारा यहाँ से, क्यों? क्योंकि ये बहुत भारी बम्पर हो गया। ठीक है, उस साइड से नीचे भी हो गया, हल्का सा टच होता है तो नीचे गिर जाता है। इसका मसला यही है कि वेट बहुत ज़्यादा है। इसके नीचे हम लोग लगवा रहे हैं अब सपोर्टें हैवी वाली, जो कि इसको थोड़ा उठा के रखेगा। ये देख रहे हो, ये बात मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही नीचे गिर गया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो इसकी वजह से ना पूरा हमें इसको एक दफ़ा सेट कराना पड़ना है कि ये मतलब कि जब भी हम इसको ऊपर नीचे करें या कुछ भी हो तो इसका वेट की वजह से गाड़ी नीचे ना गिरे। ये चीज़ सही करानी है लाजमी, क्योंकि बम्पर है बहुत महंगा हमारा ये। अगर इसको कुछ हो गया तो मुझे अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो जाना। सो इसको सेट कराना लाजमी है। और आप लोगों को पता है कि इस गाड़ी में सबसे खास हैवी ये वाला बम्पर ही, और कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ गाड़ी के अंदर नहीं है जिसको मैं कहूँ कि बड़ी हैवी है, ये है वो है। ठीक है, सिर्फ ये एक चीज़ जो है सबसे अच्छी है, तो इसको नज़र भी ज़्यादा लगती है। जिस दिन शो था मिडनाइट ट्रैवल, उसी दिन ये मसला बन गया था, लेकिन मैंने किसी को दिखाया नहीं। जो उस दिन जब हम लोग गाड़ी बाहर निकाल के हमने गाड़ी नीचे की है, आगे से एकदम से कड़प हो गई। और ये शेख साहब को उंगली हो रही है वहाँ पर, वो देखो वो दूर खड़े होकर उंगलियाँ कर रहे हैं। भाई साहब एयर बैग्स फॉर यू। शेख साहब हमारे नीचे घुस गए हैं, पार्किंग लाइट्स चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी बम्पर हमने इसमें सेट कराना है। वो वाली इसलिए नहीं जल रही, इसलिए क्या तार निकली हुई है, तार टूटी हुई है, तो ये सही नहीं कर सकते हम लोग। सारी तार नहीं पड़ेगी, हो तो जाएगी सही। हाँ। नहीं जी, एक है बैड न्यूज हमारे पास। क्यों, क्या हुई? बम्पर पे स्पोर्ट्स नहीं लग सकती। अबे जल्दी बोल। उसकी वजह ये है, जहाँ पे स्पॉट लगनी थी वो बम्पर के अंदर ही है, तो स्पॉट लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक ये थी बैड न्यूज, एक है गुड न्यूज। में भी हम लोग या तो बम्पर का डिजाइन चेंज कर लें या फिर इसी बम्पर को नया बना लें। इस मैंने एक ऐप दरियाफ्त की है, चेक करो इसके अंदर स्पीडोमीटर है सारे जो चलते भी है। ओ चौखर बावे, ये अच्छा है। नहीं सर ये पेंडू है। नहीं यार अच्छा है यार। अब एक गाड़ी देख किसका है, डुअल मीटर वाला निकालो ना। डुअल मीटर नहीं आ रहा है इसमें ना, ये फरारी का। अच्छा इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं फरारी वाले के। खैर कैमरो हमारी गाड़ी के साथ सूट कर रहा है, यही चलाते हैं। बाकी हम लोग क्या करने लगे हैं भाईजान, बताऊंगा तुम लोगों को बाद में। ठीक है, क्या करने लगे हैं? गंदी गलत काम करने लगे। गलत नहीं करने लगे कुछ, लेकिन क्या नाम है वो थोड़ा सा काम था जो कि तंग कर रहा था हल्का हल्का सा सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे लेकिन 4-5 घंटों बाद ही जी। तो हमारे शेख साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारी गाड़ी के साथ इस टाइम क्या हो रहा है। हैवी इशू नहीं है, छोटा मोटा इशू है। ये लगे हुए व्हील शील खोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? व्हील्स वाली साइड से कोई इशू है, और वो इशू क्या है शेख साहब बताएंगे आप? अच्छा इसका इशू चलो मैं ही तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी सही वो एक्सप्लेन वो कर देगा। जो इशू आ रहा है ना, हम रात को गाड़ी अगर इस तरह खड़ी करते हैं ना एयर पे, तो सुबह के टाइम गाड़ी जो होती है फुल डेड हो जाती है, आगे से पीछे से नहीं, आगे से फुल नीचे चली जाती है। अब वो या तो नोजलों में से हवा कहीं से लीक हो रही है, या कोई पाइप लीक है, या कुछ इस तरह का मसला। बैक चेक का मसला, बैक का अगर मसला होता तो फौरन गाड़ी नीचे जाती, गाड़ी उठती ही ना। नोजलों में से किसी नोजल में इशू आया हुआ है, ठीक है, और उसको चेक करना है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं लेमन मैक्स बार। जिस तरह वो पंचर चेक नहीं करते, ऊपर थोड़ा सा सर्फ डाल के इस तरह, वैसे हमने इसको चेक करना है। ओके, अब ये देखते हैं पंचर इसमें से निकलता है कि नहीं निकलता। पंचर यानी
लीक कहीं से निकलता है कि नहीं निकलता, यही इशू है भाई हमारा जी भाई। चलो मैंने खुद एक्सप्लेन कर दिया गाइस। और गाइस एक अच्छी सी बात बताऊं, आपने भी नोटिस नहीं किया होगा मैं स्टिक के साथ घूम रहा हूं, वॉकर के साथ नहीं घूम रहा। मैं स्टिक वॉकर से स्टिक पे आ गया हूं, जरा इजी हो गया हूं अपना। अब जरा ऐसे घूम घूम के यूनियन सिनेमैटिक्स लिया करेंगे ऐसे। हाँ जी शेख साहब, कहाँ से लीक हो रही है? ये देखो जी, ये हल्का सा मूव करता है, अभी ये गाड़ी फुल हाइट पे थी, ठीक है, ये हल्का सा मूव करता है, इसमें से हवा निकल जाए। पप्पू जी हवा फुल है ना उसके अंदर, तो ये यहाँ से ही लीक हो रहा था नोजल में से। बैक साइड का मसला नहीं है, नोजल का इशू था। ये हमारे शेख साहब एक्सपर्ट होते जा रहे हैं एयर के, इनमें खुद भी एयर भरती जा रही है और इधर भी एयर होती जा रही है। ये पाइप गलत जगह पे नहीं है? नहीं, ये रगड़ खा के वो मसला नहीं करेगा जब रगड़ता है नीचे जब होता है। लो जी, साढ़े ख्याल ना तो लीकेज बंद हो गई है। नहीं करनी तो सारों की चेक करना है, इधर की भी चेक करनी है, टी की भी चेक करनी है, उधर वाले व्हील की भी चेक करनी है, तभी क्लियर होगा मामला। यहाँ से तो क्योंकि बैरल तो मैंने कर दी, यहाँ से तो फौरन नजर आ गया ना कि यहाँ से लीक है। अब आगे का जो है वो बाकी देखते हैं कि वहाँ से लीकेज मिलती कि नहीं मिलती। अगर मिल गई, मैंने टी से ज्यादा रोला होना क्लियर करने का। ले जी, वो लगी हुई नीचे टी, उसका हमने चेक कर लिया है, लीकेज नहीं है। हमने नहीं, भाई साहब ने चेक किया, लेकिन मैं साथ हौसला दे रहा हूँ कि तुम कर सकते हो ब्रो, तुम कर सकते हो यार। इन्हें तो पराठा ये कसम वीडियो जी आंदा रहता हर बारी। गाइज आने वाले टाइम में हम लोग बना रहे हैं अपनी स्टूडियो, बन रहा है हमारा भी, टेंशन नहीं लेनी ठीक है इंशाल्लाह। और नाम क्या रखा है हमने? द ड्रीम गैराज, वो बता देते हैं आप शो पे इंशाल्लाह, सबको बता भी देंगे किस नाम से हम शुरू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगले इंशाल्लाह उनके साथ ही क्लैप करके हम लोग ये करेंगे काम। तो गाइस हमारी गैराज की लाइटें भी दोनों ऑन हो गई इस आलम भाई की मेहरबानी, ठीक है। दूसरा, इधर इस साइड से कोई लीकेज नहीं थी, वो ओके है, लेकिन भाई साहब ने अपनी जो वो है ना फिंगर का नुकसान कर लिया। ओ अल्लाह माफ करे भाई। हेलो फिंगर नेल का। हाँ। फिंगर? बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। गल तो है भी सही। लो जी, इस साइड की दोबारा से सारा फिट कर दिया है। मसला हमारा एक बहुत बड़ा, क्या मसला? ये जो बम्पर निकल गया ना यहाँ से, ये भाई साहब इस टाइम कोशिशों में है कि ये जो डेंट है ना फेंडर का, हमारे जो राउंड बना हुआ है, ये ख़त्म हो जाए। ये है नहीं जाना। अरे डेंटर कहते देते हैं कि हम लोग कर देते। अच्छा वैसे कम हो गया है? नहीं बाकी कम हो गया है भाई, मानो ना मानो कम हो गया है। ओए दूसरा डेंटर ना पा दी। नहीं पा दी यार, बस ठीक है छोड़ दे फिजानी, इधर छोड़ दे, बिल्कुल ठीक है छोड़ दे, बस यहाँ पे छोड़ दे मैं कह रहा हूँ। बाहर आ गए जोड़ दे। हल्का सा हो रहा है। नहीं नहीं, वो बाहर आने का मतलब है कि वो उस फेंडर बाहर आ गया। फेंडर नहीं बाहर आता, आ गया। हमारा जो एयर का मसला था वो सारा हल हो गया, जो हवा शवा लीक हो रही थी। अब हमने हाइट पे खड़ी की है गाड़ी, 62 पे खड़ी है गाड़ी। सुबह देखेंगे अगर ये फिर से डेड होगी हुई, ठीक है, क्योंकि सुबह तक डेड हो जाती थी। अगर डेड होगी हुई तो फिर हम इसको दोबारा चेक करेंगे। बाकी इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो तुम लोग करते नहीं, लेकिन कर लिया करो, अच्छी बात होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। सब लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।